अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर। आप देख रहे हैं बीफैक्स चैनल। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं पाकिस्तान के उस शहर की जो अपनी मिसाल आप है। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फैसला आबाद की। मजीद वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगर हम इसकी टोटल आबादी की बात करें तो इसकी टोटल आबादी 30,20,400 है और इसका टोटल रकबा 3,13,600 एकड़ पर मुश्तमिल है। दोस्तों, फैसलाबाद को आबादी और रकबे के लिहाज से लाहौर और कराची के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर होने का एजाज भी हासिल है और सूबा पंजाब का दूसरा बड़ा शहर होने का एजाज भी हासिल है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो ये बस्ती 1892 में वादी चिनाब की नौ आबादियात के दौरान कायम की गई थी। इसका नाम इस वक्त के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जमील लाइल के एजाज में रखा गया, जो लाइलपुर के नाम से रखा गया। 1 सितंबर 1977 को हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदीया अरब के शाह फैसल के एजाज में शहर का नाम लाइलपुर से बदलकर फैसलाबाद फैसल का शहर रख दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कई माली इमदाद की थी। मौजूदा दौर के फैसलाबाद जिला पर मुहित खिता असल में जंगल में रहने वाले बहुत से कबाइल से आबाद था। ये ख्याल किया जाता है कि ये इब्तदाई बस्तियाँ झंग और सांदल बार के कदीम अजला से ताल्लुक रखती थी और इनमें शादरा से शोरकोट और सांगला हल से टोबा टेक सिंह के दरमियान का इलाका शामिल था। इस शहर की खास बात, इस शहर में मौजूद हजरत बाबा नूर शाह वली अरबी सरकार का दरबार मुबारक है। फैसलाबाद अपनी तरक्की और मुनफरिद खसूसियात की बदौलत पूरे पाकिस्तान में एक अलग मकाम रखता है। फैसलाबाद को 6 तहसीलों में तकसीम किया गया, जिनमें फैसलाबाद सदर, फैसलाबाद सिटी, चक छुमरा, जड़ा वाला, समंदरी, तांदलियां वाला शामिल हैं। फैसलाबाद लाहौर से 120 किलोमीटर और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 360 किलोमीटर की दूरी पर वाकया है। फैसलाबाद की सबसे मशहूर और मुनफरिद कारोबारी और सियाहती मकाम घंटा घर है, जो 8 बाजारों पर मुश्तमिल है, जिनमें 4 बाजार बड़े और 4 बाजार छोटे हैं। अगर सही से कोई ऊंची बिल्डिंग से मायना किया जाए तो इन बाजारों का नक्शा बरतानिया के झंडे से मिलता है। अगर फैसलाबाद के महल्ले वकू की बात की जाए तो इसके करीबी बड़े शहरों में चनियोट, झंग, टोपा टेक सिंह और शाहकोट शामिल हैं, जबकि 40 किलोमीटर की दूरी पर जनूब मशरिक में दरियाए रावी और मगरिब में 30 किलोमीटर की दूरी पर दरियाए चनाब बहता है, जो अपनी मिसाल आप है। फैसलाबाद पंजाब का एक इम्पोर्टेंट शहर है, जो कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में बाकी सारे मुल्क से आगे है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे बरतानिया में सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मैनचेस्टर में है, वैसे ही पाकिस्तान की सारी बड़ी मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज फैसलाबाद में पाई जाती हैं। फैसलाबाद की खूबसूरती में इजाफा करने वाली चीजों में सबसे पहले आते हैं फैसलाबाद के खाने, जिनमें पहलवान की मटन कढ़ाई, हफीज की पूरी और निहारी, जहांगीर का मुर्ग लाओ, खालिद की दलीम, जिनका जायका चखने के लिए लोग पूरे पाकिस्तान से इधर का रुख करते हैं। फैसलाबाद में बोली जाने वाली जुबानों में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान पंजाबी जुबान है और उर्दू जुबान है। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है और दूसरे मजहब में हिंदू, ईसाई, सिख भी मौजूद हैं, जो अपनी अपनी जुबानें बोलते हैं। अगर फैसलाबाद में मौसम की बात की जाए तो मुल्क के दूसरे शहरों की तरह चारों मौसम सर्दी, गर्मी, बहार और खजा असर अंदाज होते हैं। फैसलाबाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, जिसमें 35,000 तलबा जेरे तलीम हैं। फैसलाबाद की तहकीक के मुताबिक टोटल GDP 20.5 बिलियन डॉलर है। तो बात करते हैं फैसलाबाद के तारीखी और तफरीही मकामात के बारे में। अगर आपका कभी फैसलाबाद में आना हो तो इन मकामात की सैर और तफरी जरूर कीजिएगा। नंबर 1, लैलपुर म्यूजियम। नंबर 2, इकोलैंड वाटर पार्क। नंबर 3, नुसरत फतेह अली खान ऑटोरियम। नंबर 4, घंटा घर फैसलाबाद। नंबर 5, घुमती फाउंडेशन। नंबर 6, सर जमीज लैलपुरी का मकबरा। नंबर 7, फॉरेस्ट पार्क फैसलाबाद। नंबर 8, कोहिनूर शॉपिंग मॉल फैसलाबाद। नंबर 9, डी ग्राउंड पार्क। नंबर 10, कैसरी गेट। तो आखिर में बात करते हैं इधर के लोगों की। यहाँ के लोग बहुत ही मुखलिस और शुगल करने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर फैसलाबाद की क्राइम लिस्ट की बात की जाए तो फैसलाबाद क्राइम लिस्ट में 42वें नंबर पर आता है।
है। अगर आप फैसलाबाद में दिन के वक्त सफर करते हैं तो डकैती चोरी या फिर ऐसी किसी वारदात से 62% महफूज तसव्वुर किए जाएंगे और रात के वक्त 70% महफूज तसव्वुर किए जाएंगे। फैसलाबाद का पोस्टल कोड 3700 है। फैसलाबाद में पाई जाने वाली कौमों में अराई, गुज्जर, कम्बो, राजपूत, पठान, बलोच, कश्मीरी कसीर तादाद में पाई जाने वाली कौमें हैं। दोस्तों, ये थी हमारी फैसलाबाद के बारे में एक खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद शहरों के बारे में मालूमात के लिए अपने अपने शहर का नाम कमेंट में डायल करें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।